बीते दिन सोनीपत के प्रवास पर आए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसते हुए उन्हें नसीहत दी कि वे ड्राइंग रूम की राजनीति छोड़कर विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, इसलिए जनता के दिए गए इस जनादेश का उन्हें सम्मान करना चाहिए। याद रहे कि दुष्यंत चौटाला उस समय तिलमिला गए थे जब एक संवाददाता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उनसे एक सवाल पूछा। याद रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विगत काफी दिन से दुष्यंत चौटाला को अपने निशाने पर लिया हुआ है। बीते दिन भी वे सोनीपत के गुमड़ गांव में शोक संवेदना व्यक्त करने गए तो हुड्डा ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए बीजेपी जेजेपी गठबंधन को भानुमति का कुनबा करार दिया था। भूपेंद्र हुड्डा ने यहां तक कहा था कि यदि समय रहते सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल नहीं किया तो वे सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। जो जेजेपी है पार्टी है वो जनादेश के उसकी उन्होंने वो सम्मान नहीं किया, जनादेश का अपमान किया है और प्रजातंत्र में जनादेश का सदैव सम्मान होना चाहिए। समय कम हुआ, हमारा संगठन जो बदलाव बहुत कम, हमारे 15 दिन मिले, अगर संगठन का बदलाव कुछ पहले हो जाता तो कुछ नतीजे कुछ और ही आनंद। भूपेंद्र हुड्डा के इन लगातार हमलों से तिलमिलाई दुष्यंत चौटाला ने उन्हें आड़े हाथों लिया। आरोप लगाने बहुत आसान है, तथ्य निकालने उससे मुश्किल। मैं तो मानता हूँ कि आज लोगों ने उनको विपक्ष में मजबूती के साथ बिठाया है, उनकी जिम्मेवारी है कि सरकार कोई एक कदम गलत करे तो हमें भी सुधारने का वो काम कर सके। पर केवल मात्र घर में बैठ के ड्राइंग रूम की राजनीति करने का वो सोचेंगे तो जनता ने जवाब दिया। उधर जेजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतगणना के समय यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा दुष्यंत चौटाला की हर बात मानने के लिए तैयार थे। आज जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई है तो यकायक दुष्यंत चौटाला उन्हें चुभने लगे हैं, जिसका दुष्यंत चौटाला ने कड़ा संज्ञान भी लिया है। उधर भाजपा कार्यकर्ता दोनों चौधरियों के वर्चस्व की इस जंग को चुपचाप देख रहे हैं। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।